आज क्वेश्चन है, थ्री मेटालिक सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइज डी आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब. ये खूब क्लासिक क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम मध्ये येतोच येतो. स्कॉलरशिप म्हणा, नवोदय म्हणा, बहुतेक सैनिक स्कूलच्या एग्जाम मध्ये आला होता. तर माझा एक क्यूब जो आहे, क्यूब सपोज ए, त्याचा साइड किती आहे? सिक्स. आणि वॉल्यूम किती आहे? व्हॉट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? साइड इंटू साइड इंटू साइड, विच इज 216 सेंटीमीटर क्यूब. आई टेक अनदर क्यूब, उसका साइड है 8, वॉल्यूम है 8 इंटू 8 इंटू 8, 64 इंटू 8. 64 इंटू 8 क्या होता है, भूल गया मैं. 8 4 32, 8 6 48, 512. तो ये बना 512 सेंटीमीटर क्यूब. और दूसरा है सी, जिसका वॉल्यूम है, जिसका साइड है 10, तो वॉल्यूम होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, विच इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो इनका टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है इनका, ऐड कर दो. 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2 7, 1 7 2 8. अभी किसके क्यूब के यूनिट्स प्लेस में 8 आता है? देखो, 5 5 25 5 25 5 आएगा, 4 4 16, 4 16 4 आएगा, 3 3 9 27 7, 2 2 4 2 8 8, तो ये होगा आंसर. ऐसा है बोला जी. The smallest number that should be added to or subtracted from the sum of squares of 9 and 10. 9 ka square 81, 10 ka square 100. Sum of squares 181. To make it a perfect square, to 181 ke paas perfect square kya hai? Ek to 196 hai, 14 ka square, aur 169 hai, 13 ka square. तो 181 में से क्या माइनस करूंगा मैं, तो 169 मिलेगा, माइनस 12. क्या ऐड करूंगा तो 196 मिलेगा, प्लस 15, तो छोटा नंबर है 12. समझ में आया, समझ में आया क्या? मृणाल, ट्वेंटी फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेवन का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट. 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेवन स्क्वायर है कि माइनस सेवन स्क्वायर है, ये एक बार चेक करना दो. बल्कि दिस इज 16. प्लस है वो, प्लस है वो, डिवीजन भी नहीं है, प्लस है. दिस इज प्लस. तो 24 का स्क्वायर क्या है? 24 2 48 2 96. 24 2 48 576. 7 का स्क्वायर 49. 9 प्लस 6 15. 625 का स्क्वायर रूट क्या है? 25. ठीक है, और 25 का क्यूब क्या है? 25 into 25 is 625. ओके, 625 into 25. तो 25 5 is 125, 25 2 is 50, 62. 25 6 is 150, 156, 15625. समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्या? यस. 61st मैन डेज का क्वेश्चन. मेन बघ, हा 24 स्क्वेअर प्लस 7 स्क्वेअर च्या स्क्वेअर रूटचा क्यूब आहे. 24 स्क्वेअर प्लस 7 स्क्वेअर का स्क्वेअर रूट है 25,
25 का क्यों फाइन करना है, दैट्स इट। कुछ डिफिकल्टी इसका? ओके, ये मैन डेज का क्वेश्चन। देखो, फाइव मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज? 28 डेज। तो कितना मैन डेज का काम है ये? मैन डेज 5 × 28, which is 140. The number of person required to same work in 7 days, 7 दिन में खत्म करना है, तो मेन बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मेन इज एम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये एम मेन उतना ही काम करेंगे जितना इन लोगों ने किया, मतलब 140 डेज का। तो एम कितना होगा? 140/7, which is 20. तो आंसर इज 20. लेकिन अगर इसमें पूछता था कि हाउ मेनी मोर मेन आर रिक्वायर्ड, तो क्या करते थे आप? पहले 5 मैन थे, अभी 20 मैन है, तो 15 मैन एक्स्ट्रा चाहिए, ऐड 15 मैन। ऐसा है उसका, गॉट इट? समझ में आया? गुड। मैन बाइज अ प्रेशर कुकर एट 9/10 ऑफ इट्स मार्क प्राइस। एक होता है मार्क प्राइस, सपोज वो है मेरा एम, तो इसने बाय कितने में किया? 9/10 ऑफ एम रुपीस में, एंड सेल्स इट एट 8% मोर देन इट्स मार्क सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब इसने इतने के डिस्काउंट में खरीदा, और जब बेचा इसने तो उसने 8% इस पे बढ़ाया, 8% इस पे बढ़ाया, तो 8% इस पे बढ़ाया मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना है? एम मतलब मार्क प्राइस प्लस 8% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब एम प्लस 8/100 इंटू एम, विच इज 108 m/100। व्हाट इज हिज गेन परसेंट? तो उसने कम में खरीदा है तो श्योर है, ये मार्क प्राइस यहाँ पे था, उसने इतने में खरीदा 9 m/10 में, बेचा कितने में? 108 m/100 में। ये 9 n/10 मतलब 90 m/100 हो गया, और ये हुआ 108 m/100। ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट के लिए? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इस बंदे का कॉस्ट प्राइस कितना था? 9 m/10। सेलिंग प्राइस कितना है? 108 m/100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका? प्रॉफिट कितना हुआ? 108 m/100 माइनस 90 m/100, विच इज 18 m/100। ये हो गया उसका प्रॉफिट। लेकिन उसने पूछा प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज गेन परसेंट? तो गेन परसेंट फाइंड करने के लिए याद रखना, जिंदगी में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टू फाइंड गेन परसेंट ऑलवेज कंपेयर विथ कॉस्ट प्राइस। तो उसका जो गेन है मतलब प्रॉफिट है वो है 18 m/100। उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कितने में खरीदा उसने? 9 m/10 में खरीदा उसने, कॉस्ट प्राइस है 9 m/10। ठीक है, तो उसका गेन कितना है? जब कॉस्ट प्राइस होगा 100, दैट विल गिव यू गेन परसेंट। द क्वेश्चन मार्क इज 18 m/100 × 100/9 m × 10। ये 100 उड़ गया, 9 m × 18, 2 × 10, 20%। तो कितना हुआ उसका प्रॉफिट? 20%। ये इस पेपर का सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हो उसको। उसके बाद, समीर परचेस्ड अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹1,344 इंक्लूडिंग GST। तो उसका जो प्राइस था परचेस का वो था ₹1,344, और इसमें GST इंक्लूडेड है, इसमें GST इंक्लूडेड है। ओके, इफ द सेल प्राइस ऑफ द शूज इज ₹1,200, देन द रेट ऑफ GST इज
सेल प्राइस क्या है उसका? रुपीज 1200। तो ये उसका सेल प्राइस है, लेकिन उसने इतने पैसे ज्यादा भरे, कितने ज्यादा एक्स्ट्रा मनी पेड? एक्स्ट्रा पेड हाउ मच? 1344 माइनस 1200 विच इज 144 रुपीज, ये उसका एक्स्ट्रा पेड। तो 144 रुपीज जब 1200 रुपए था तो कितना जब 100 रुपए था? तो क्वेश्चन मार्क इज 144 इंटू 100 अपॉन 1200। जीरो गया जीरो गया, 12 जब ओके, तो जीएसटी कितना है? 12%। समझ में आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये समझ में आया क्या? समझ में आया? यस, उसका जो सेल प्राइस है उस पे जीएसटी लगा और बना उसका परचेस प्राइस, समझा? तो उसने ये दिया है 1200, ये दिया है 1344, तो ये कितना है? 144। ये इसका कितना परसेंट है? 144 अपॉन 1200, ठीक है ना? ये कितना परसेंट है? ये फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंट? तो इनटू 100 अपॉन 100, तो ये दो जीरो चले गए, 12 जा 144, आंसर इज 12 इनटू 1 बाय 100, 12%। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस ओके, लास्ट के दो क्वेश्चन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, मतलब अगर उसका पॉपुलेशन है पी, इनिशियल पॉपुलेशन अगर पी है, इनिशियल मतलब ओरिजिनल, तो इंक्रीज वन कितना है? 10% ऑफ पी, मतलब कितना हुआ? पी प्लस 10% ऑफ पी, विच इज पी प्लस 10 अपॉन 100 इंटू पी, विच इज पी प्लस पी बाय 10, विच इज 10p प्लस पी अपॉन 10, विच इज 11p अपॉन 10। ये बना 10% इंक्रीज होने के बाद, एंड देन डिक्रीज बाय 20%। उसके बाद क्या हुआ? डिक्रीज हुआ कितना? 20% ऑफ 11p अपॉन 10। तो डिक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ? 11p अपॉन 10 माइनस 20% ऑफ 11p अपॉन 10। तो इन दोनों में 11p अपॉन 10 कॉमन है, 1 माइनस 20 अपॉन 100 विच इज 11p अपॉन 10, 1 माइनस 1 बाय 5 विच इज 11p अपॉन 10 इंटू 5 माइनस 1, 4 बाय 5, 2 2s आर 2 5s आर विच इज 22p अपॉन 25। ये हुआ उसका फाइनल पॉपुलेशन। देन नेट डिक्रीज इन द पॉपुलेशन इज, नेट डिक्रीज मतलब इनिशियल पी से लेकर, पहले था पी, बाद में कितना हुआ? 22p अपॉन 25, बराबर बराबर 22p अपॉन 25 हुआ। तो इसमें डिक्रीज कितना हुआ? पी माइनस 22p अपॉन 25 मतलब 25p अपॉन 25 माइनस 22p अपॉन 25 विच इज 3p अपॉन 25 ओके। सो अभी देखो ये क्वेश्चन फिर से देखो। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%, सो इंक्रीज बाय 10%, तो 10% से इंक्रीज हुआ तो इतना बना 11p अपॉन 10। पहले स्टेप पे कितना बना? 11p अपॉन 10, ये क्या हुआ? इंक्रीज बाय 10%। उसके बाद डिक्रीज बाय 20%, मतलब क्या हुआ? इसका डिक्रीज हुआ 20%, 20% ऑफ 11p अपॉन 10 मतलब 20 बाय 100
इंटू 11p/10 25 जा तो विच इज 11p/50 ठीक है। इतना क्या हुआ डिक्रीज हुआ कितने में से इतने में से मतलब 11p/10 माइनस 11p/50 तो ये क्या हुआ 55p/50 माइनस 11p/50 विच इज 44p/50 विच इज 88p/100 ठीक है। 100 में खेलते हैं बहुत इजी हो जाएगा वो ठीक है। तो ये उसका नए पॉपुलेशन से 20% डिक्रीज होने के बाद इतना पॉपुलेशन रहा ठीक है। तो नेट पहले कितना था पी अभी कितना है 88p/100 तो पी माइनस 88p/100 इज 100p/100 माइनस 88p/100 विच इज 12p/100 तो 12/100 इंटू पी तो ये डिक्रीज हुआ उसका कितना डिक्रीज हुआ उसका 12%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा समझ में आया सबको समझ में आया कि नहीं यस नेक्स्ट इफ अ नंबर इज इंक्रीज बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये इंक्रीज डिक्रीज वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखो इनिशियल नंबर इज इंक्रीज बाय 20% इनिशियल मेरा नंबर है सपोज एक्स इंक्रीज कितना हुआ 20% मतलब 20% ऑफ एक्स मतलब 20/100 इनटू एक्स व्हिच इज 20x/100 तो इसके बाद न्यू कितना हुआ एक्स प्लस 20x/100 व्हिच इज 100x/100 प्लस 20x/100 विच इज 120x/100 विच इज ठीक है 120x/100 करते हो एंड देन डिक्रीज बाय 20% ठीक है। अभी इसको अगर 12x/10 कर देते हैं अभी क्या हुआ डिक्रीज अभी हुआ डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ 20% ऑफ 12x/10 which is 20 × 1/100 into 12x/10 ये 0 गया 0 गया 12 × 2 = 24 which is 24x/100 ठीक है। then the net increase decrease percentage will be initial कितना था उसका x initial कितना था increase by 20% and decrease by 20% डिक्रीज हुआ उसका 24x/100 तो देखो पहले स्टेप में 20% बढ़ के कितना बना 12x/10 बना ये 12x/10 में से इतना घटा 24x/100 घटेगा तो अभी नया नंबर क्या आएगा 12x/10 माइनस 24x/100 तो 12x मतलब 120x/100 माइनस 24x/100 which is 96x/100 तो पहले मेरा नंबर कितना था x अभी सब कुछ होने के बाद कितना बना 96x/100 तो इनमें डिफरेंस कितना है डिफरेंस है 100x/100 माइनस 96x/100 मतलब 4x/100 4/100 है मतलब 4% डिक्रीज हुआ वो समझ में आया ये समझ में आया क्योंकि पहला नंबर बड़ा है बाकी का नंबर छोटा ये फ्रैक्शन है ना प्रॉपर फ्रैक्शन छोटा है एक्स समझ में आया कि नहीं आया